करता हूँ फैजे से होंगे। एज यू नो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्फ डिस्कस किया था और सेल्फ चैप्टर हमने कवर कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। हमने टिश्यू को डिस्कस करना है। टिश्यू में हमने सेल है, सेल के चैप्टर में हमने क्या किया था, सेल के फंक्शंस को हमने पढ़ा था, ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी, उनकी डिटेल से हमने उनके फंक्शन को पढ़ा था। तो आज हमने सेल को पढ़ना है, देखना है कि सेल क्या चीज, टिश्यू क्या चीज है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन से हमें क्या नजर आता है, क्या हम समझ पाते हैं कि टिश्यू है क्या चीज। सबसे पहले जब हमने सेल को डिस्कस किया था, सेल में हमने कहा था कोई भी जानदार है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज है, एक छोटे से बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हुई है जिसका हम कहते हैं सेल। हमने मान लिया आपके सेल है, हमने कहा था इससे मिलकर तमाम जानदार तमाम ऑर्गेनिज्म बने हैं। ऐसे कहा था क्योंकि ये जिंदा जानदारों की क्या है, ठीक है, या मैं कहता हूं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इतना पढ़ लिया तो जानते भी हम हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कोई भी ऑर्गेनिज्म है सेल से जब मिलकर बनता है, तो हमने पढ़ा था अगर ये सेल मजीद मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई भी जानदार सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है, उसको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, वन, सेलुलर सेल, मीन के कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कंटेन वन सेल, उसकी लाइफ जस्ट एक सेल पर मुनसर करती है, तो हम उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। वो जानदार अपना बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो क्या करेगा, एक सेल ही से कवर करेगा, डिपेंड करता है वो एक ही सेल पे। मीन कि अगर वो सांस लेगा उसमें रेस्पिरेशन होगी, उसमें डाइजेशन होगी, वो मूव करेगा, ठीक है, कुछ भी वो करेगा, अपनी लाइफ स्टाइल वो जैसे उसकी होगी वो क्या करेगा, एक सेल पे डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे ह्यूमन है, अदर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर है, मीन की एक से ज्यादा सेल पे डिपेंड करते हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उनकी लाइफ स्टाइल यूनिसेलुलर से मुख्तलिफ होगी। उनमें क्या होंगे, उनमें बहुत सारे सेल्स होंगे, जैसे ह्यूमन है ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना है, तो वो सेल आपस में क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वो स्ट्रक्चर जिसे हम टिश्यू कहते हैं, तो टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन मिलके क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, सेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं, कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या बना देते हैं, टिश्यूज, कलेक्शन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, फोर सेल है, ये ग्रुप में क्या हो गए, ऐसे बहुत से सेल मिल गए, बहुत से सेल ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये ग्रुप है, बहुत से सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू बना देंगे, ये टिश्यू आपस में मिलेंगे, ठीक है, बहुत से टिश्यू आपस में मिलेंगे, ऑर्गन बना देंगे, ये बहुत से ऑर्गन मिलके क्या बनेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा, बहुत से ऑर्गन ये सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिनके एक जानदार बन जाता है। अब देखें, ऑर्गन लाइक स्किन,
स्किन क्या है, एक ऑर्गन है जैसे हमारी स्किन है। ये भी आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज स्किन। स्किन हमारे जिस्म का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन देखिए, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है? स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन करना। स्किन का काम होता है, मेजर जो इसका काम है, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को। अब देखिए, ये भी स्किन है लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी लेयर थोड़ी पतली है, ठीक है, थिन है, लेकिन यहाँ पे अगर आए पाम पे, इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, ठीक है। जो आपका नेल्स है, ये भी स्किन का एक हिस्सा है। अब देखें, यहाँ पे जो टिश्यू होगा पाम पे वो मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे जो टिश्यू होंगे मुख्तलिफ होंगे, नेल्स के टिश्यू मुख्तलिफ होंगे। मीन के जो ये मुख्तलिफ टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया जिसको हम कहते हैं स्किन। ऑर्गन सिस्टम है, ऐसे ही मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम क्या मिलके क्या बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन होगी इनकी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम की कोऑर्डिनेशन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन हमने क्या डिस्कस करना है, टिश्यूज जिनके सेल का जो हायर लेवल होता है वो होता है टिश्यू। जैसे हमने सेल पढ़ा था, अगर सेल को थोड़ा सा और मैं मिली इसको सिंपल करूं, इसकी सब डिवीजन करूं, ये माइक्रो बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। सेल बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। बायो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जैसे हमने सेल पढ़ा था, ये सेल पढ़ा था, सेल को देखिए, सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, न्यूक्लियस को डिस्कस किया था, उसके बाद इसकी ऑर्गेनेल्स को हमने पढ़ा था। तो अगर कंपोजिशन हमने देखी थी, हर ऑर्गेनेल्स की कंपोजिशन अगर हमने देखी थी, किसी में कार्बोहाइड्रेट था, किसी में लिपिड था, किसी में प्रोटीन था, ठीक है, कोई डीएनए से मिलकर बना था, कोई आरएनए से मिलकर बना था, जिनके न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना था, ठीक है, ये कोई साल से मिलकर बनता है, कोई मिनरल से मिलकर बनता है। मीन की ये जो बायो मॉलिक्यूल के हमारी जो सेल है, सेल के अंदर अगर मजीद हम इसको सब डिवीजन करें तो सेल में क्या हमें चीज नजर आती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, साल्ट, जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सब क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, सेल बना देते हैं, ये फिर सेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से फिर जैसे ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म की हमने बात कर ली है, टिश्यू की, एक टिश्यू क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब देखें इसके अगर डेफिनेशन देखें, ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर अलोंग विद देयर सेलुलर मटेरियल वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। पॉइंट आप नोट करें, ग्रुप ऑफ सेल्स मीन टिश्यू क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जी ग्रुप ऑफ सेल्स मीन के सेल्स का एक ग्रुप है विथ सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर और सेम में फर्क होता है। सिमिलर मीन के वो क्या होंगे, मुशाहबत रखते होंगे एक दूसरे से, एक जैसे नहीं होंगे, वो एक दूसरे से मुशाहबत रखते होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है, तीन किस्म के सेलुलर पार्ट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट। अब देखें, ये तीन किस्म के जो सेल हैं,
ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है। इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा एक दूसरे से, फंक्शन भी डिफरेंट करेंगे, लेकिन क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे से, मिलते जुलते होंगे, इसलिए कहते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर। इनके ये टिश्यू है जिससे मिलकर बनता है, सिमिलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। इनके ये जो ग्रुप होगा सेल का, ये आपस में सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएगा, सिमिलर होगा अलोंग विद देयर सेलुलर मटीरियल। सेलुलर मटीरियल, मटीरियल मैट्रिक्स को भी कहते हैं मैट्रिक्स। लिंक क्या होगा, ये सेल है, देखिए ये सेल है, सेल के अंदर मटीरियल जो होगा, लिंक ए ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल जब इकट्ठे होंगे सेल्स के अंदर क्या होगा, ये सेल है, ये सेल, ये सेल और ये सेल, इन सेल के आप अंदर जो क्या होगा, दरमियान में मैट्रिक्स होगा, मटेरियल होगा, जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। ये मैट्रिक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। सेल के अंदर बिटवीन क्या होगा, दो सेल हैं, तीन हैं, चार हैं, इनके अंदर जो मैट्रिक्स होगा, जब ये आपस में ग्रुप बनाएंगे तो इनके दरमियान मैट्रिक्स होगा, मटेरियल होगा, उस मटेरियल को इंट्रा सेलुलर मटीरियल कहते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, ये ग्रुप इनके दरमियान इंट्रा सेलुलर मटीरियल वर्क टूगेदर, मिल के काम करेंगे, लेबर वर्किंग होगी, लेबर वर्किंग होगी, एंड वो जब लेबर की तरह वर्क करेंगे तो एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फिर क्या होगा, वो लेबर क्या करेगी, लेबर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होके परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, क्या वो करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको ब्लड की ही देता हूँ। ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होगा, इसमें देखें तीन किस्म के सेल होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक हो गया, अब ये एक काम भी कर सकता है स्पेसिफिक और बहुत ज्यादा काम भी कर सकता है एक टिश्यू। अगर मैं एक काम की बात करूँ स्पेसिफिक, तो मैं ब्लड को ले लेता हूँ। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं कि बहुत ज्यादा फंक्शन कैसे, ब्लड देखो ज्यादा फंक्शन भी करेगा, ब्लड में आरबीसीज होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, इनके ऑक्सीजन को लेके आता है। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ब्लड तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, आरबीसीज। ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, एक फंक्शन है, ये किसका, ये भी ब्लड में होता है। डब्ल्यूसी क्या करता है, इम्यूनिटी, वो से मुदाफिज है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, खतरनाक होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डिवेल्प होती है। इनके जो इम्यूनिटी हमारी होगी, ठीक है, या आप पुलिस फोर्स भी आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी करेगा। प्लेटलेट्स सेल है, इनका काम होता है क्लॉटिंग। आप देखिए एक इशू था, उसने एक स्पेसिफिक फंक्शन भी किया कि ब्लड सप्लाई होती है पूरी बॉडी में, न्यूट्रिशन सप्लाई होती है ब्लड के जरिए। ठीक है, अगर इसको मजीद अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मोर देन वन फंक्शन भी इनके होते हैं, जैसे एक ही टिश्यू तीन काम कर रहा है टाइम। ठीक है, समझ आ गई। जिनके ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर अलोंग देयर सेलुलर मटेरियल वर्क टुगेदर, तो हम ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन है कि सेल मिलेंगे
कौन से सेल ग्रुप बनाएंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, अलॉन्ग विद देयर सेलुलर मैट्रिक्स, जिनके उनके एक फिट क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, मेटीरियल होगा, उसके साथ वो क्या होंगे, जुड़े होंगे, वर्क टूगेदर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, लेबर वर्क होता है एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो अपना काम करते हैं, मखसूस काम होते हैं उनके, जैसे टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू है, ठीक है, मैं ग्रुप बना लेता हूँ, अब देखें एक ग्रुप है ये सेल्स का, दूसरा है ये, तीसरा है ये, ठीक है, अब ग्रुप वन है, ग्रुप टू है, ग्रुप थ्री, अब ये बॉडी में है, अब स्पेसिफिक फंक्शन क्या करेंगे, इसका अपना काम होगा, ये रेस्पिरेटरी का काम करेगा, रेस्पिरेशन का, एक टिश्यू है क्या काम करता है, बहुत से सेल है बॉडी में इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा जी हम रेस्पिरेशन का काम करेंगे, अपना काम करेंगे, ये इन्होंने क्या कहा कि हम डाइजेशन का काम करेंगे, इन्होंने क्या कहा कि हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम इन्होंने कर दिया। अब देखें सेल तो थे बहुत सारे, उन सेल ने अपनी कंपनी बनाई, इकट्ठे हुए दो दो चार चार पांच पांच, इकट्ठे होने के बाद उन्होंने अपना स्पेसिफिक काम कर लिया, ठीक है, अपना स्पेसिफिक काम स्टार्ट कर लिया, उन सेल को हम कहते हैं ये टिश्यू है, मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं और काम करते हैं, अब ये जो टिश्यू है देखिए हाथ देखें रीजन में टिश्यू पड़े हैं, इनका जो रीजन होगा वो सेम होगा, वो कॉमन होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक टिश्यू है इसमें काम करना है जी रेस्पिरेशन का, इसने क्या काम करना है रेस्पिरेशन का, अब जो रेस्पिरेशन के जो टिश्यू होगा वो एक मखसूस रीजन का होगा, ऐसे नहीं होगा कि ये जी आई का टिश्यू आ गया, यहाँ सेल आ गया, ये जी एयर का सेल आ गया, ये स्केलेटन का सेल आ गया, ये स्किन का सेल आ गया, इन्होंने क्या किया कहा कि आई सारा दिन देखने का काम होता है, मुझसे नहीं होता, मैं चला जाता हूँ जी रेस्पिरेशन के साथ, वहां टिश्यू के साथ चला जाता हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर लूंगा, स्किन क्या है, स्किन का काम बहुत प्रोटेक्ट करती है, हर चीज को मुझसे ही होता, मैं क्या करता हूँ हाँ जी दूसरे फंक्शन चला जाता हूँ, रेस्पिरेशन वाले टिश्यूज के पास चला जाता हूँ, उनसे मिलकर काम कर लेता हूँ, एयर कहता है सारा दिन मैं सुनता रहता हूँ, मैं बोर हो गया बातें सुन सुन के जी, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं दूसरे से मिलकर काम कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आई की टिश्यू है, आई के सेल्स है, आई का जो टिश्यू है वो आई ही के सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, इस ओरिजिन से सेल कंबाइन होके काम नहीं करेंगे, कभी भी काम नहीं करेंगे, जैसे कि इससे सिंपल एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे आपको अब प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, फार्मेसी के सब आप स्टूडेंट हो, आपने ग्रुप स्टडी करनी है, एक लड़का आप कहते हो कि हम दो चार महीने के काम करते हैं, आपका मेन मकसद क्या है, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, तो टॉपिक को समझना, तो आप किससे समझ पाओगे, अपनी ही क्लास फेलो से समझ पाओगे ना, अगर आपके में एक भी फार्मेसी का स्टूडेंट है और एक डिस्पेंसर का होगा, एक लैब का, एक ओटी का, तो कभी आप उसने क्या आप लेबर वर्क नहीं कर पाओगे, क्यों, आपका जो रीजन है वो सेम नहीं है, आप उसी कोर्स के उसी क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आपका रीजन मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ रीजन के कभी भी सेल इकट्ठे होकर टिश्यू नहीं बनाएंगे और वर्क नहीं करेंगे,
उसी ही ठीक है रीजन पे इशू होंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। जिनके अगर मैं इसको मजीद बढ़ाना चाहूँ इसी डेफिनेशन को वर्क टू गैदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन है कॉमन रीजन। अगर मैं ऐसे नहीं कर सकता आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, उन्होंने कहा जी कलेक्शन ऑफ सेल्स वर्क टूगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कलेक्शन ऑफ सेल्स विद अलॉन्ग देयर मटीरियल्स या इंट्रा सेलुलर मटीरियल्स ठीक है एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऐसी आपकी डेफिनेशन लिखती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, अलॉन्ग देयर इंट्रा मटीरियल इंट्रा सेलुलर मटीरियल, इसका मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो एक दो सेल मिलता है आपस में ठीक है, एक सेल ये दूसरा ये, इनके दरमियान जो मटेरियल होगा उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर मटेरियल ठीक है, वो आपस में फंक्शनिंग करेंगे और उसके बाद परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने आपको बता दिया है कि स्पेसिफिक फंक्शन वो कैसे करते हैं। अब जो देखें मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या है टिश्यू। टिश्यू वर्ड कहाँ से आया है इसका क्या मतलब है? टिश्यू वर्ड को आप उर्दू में हम करें तो वोविन, वोविन या वीव, वीव वोविन को कहते हैं बुना हुआ, वेव बुनाई करना, बुना हुआ बुनाई करना मतलब आप अगर देखें लाइक स्वेटर, जैसे स्वेटर एक बुना होता है, अगर स्वेटर को आप स्वेटर के स्ट्रक्चर को आप अगर देखो अंडर माइक्रोस्कोप आपको कुछ ऐसे नजर आता है, ऐसे नजर आता है। मान लीजिए आपका टिश्यू है, टिश्यू है, इसमें आपको कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं ये वाले, इनको आप सेल कह दें, ये सेल 1 2 3 एंड फोन ये क्या है सारे सेल। अब देखें सेल के ब्लॉक नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है सिमिलर इंस्ट्रक्चर, सिमिलर इंस्ट्रक्चर क्या करते हैं स्ट्रक्चर में सिमिलर है, इनके दरमियान ये इंट्रा सेलुलर मटीरियल होता है वर्क टूगेदर अच्छे मिलते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल है, कि आपको पता होना चाहिए कि सेल में ये कहाँ से आया कैसे आया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको वैसे समझाया कि सेल अगर मजीद अगर आप उसमें बनाए कि टिश्यू ठीक है वोवन से निकला है, वोवन का मतलब है बुनाई करना, बुना हुआ स्वेट, अगर स्वेट स्वेट को आप देखें तो आपको स्वेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसमें देखें मतलब कि सेल आपस में ऐसे जुड़े होते हैं टिश्यू में ठीक है, सेम उनका फंक्शन होता है ठीक है और सेम उनका स्ट्रक्चर होता है। टिश्यू को फर्स्ट टाइम किसने देखा, इसकी स्टडी किसने की थी? टिश्यू का मतलब होता है हिस्टो, लफ्ज हिस्टो से निकला है, ये फ्रेंच वर्ड है ठीक है, बोन टिश्यू निकला है हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लोजी कहते हैं स्टडी को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी लोजी लफ्ज है इसका मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। जैसे हमने सेल पढ़ा था, हमने सेल की स्टडी की, साइटो कहते हैं सेल को, लोजी कहते हैं स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल एनी कंपोनेंट
कॉल्ड साइटोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी इनके हिस्टम इन टिश्यू साइटोलॉजी में स्टडी इनके स्टडी ऑफ टिश्यू सेट टू बी हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोलॉजी को किसने दरियाफ्त किया, इनके सेल टिश्यू की स्टडी किसने की, एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था बाई जेड। ये साइंटिस्ट था जिसने हिस्टोलॉजी को डिस्कवर किया, इनके सेल की टिश्यू की स्टडी की। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ सेल टिश्यू स्टडी कौन था, बाई जेड। ये आपने याद रखना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस से आपको समझाया हर तरह से कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट रखना है कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विद सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर ये आप ना भी लिखें अलॉन्ग देयर सेलुलर मटेरियल, ठीक है, जो आप नहीं भी लिख सकते, ये मैंने आपको समझाया है, तो सिंपल भी आप लिख सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर वर्क टूगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी अगर हैव अ कॉमन रीजन भी ना लिखें तो ये भी आपको नंबर मिल जाएगा।